अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी, आज की वीडियो जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन करूँगी सन ब्लॉक या SPF के रिलेटेड, कि सन ब्लॉक जो है वो बेसिकली उसके फंक्शंस क्या होते हैं और SPF क्या होता है, जो डिफरेंट हमारे पास आ रहे होते हैं SPF 30, SPF 50, 70, इनके क्या पर्पसेस होते हैं और हमें अपनी स्किन के लिए कौन सा SPF चाहिए है, और जी हाँ, आप अपने स्किन के लिए जो है वो किस टाइप का सनब्लॉक या SPF जो है वो चूज़ कर सकते हैं, मतलब हाउ टू चूज़ सनब्लॉक फॉर योर स्किन टाइप। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको कौन सा सनब्लॉक चाहिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको कौन सा सनब्लॉक चाहिए या कौन सा SPF चाहिए। और जी हाँ, क्या सनब्लॉक को हम सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर हमें वो घर पर भी यूज़ करना चाहिए, तो इन तमाम क्वेरीज के आंसर्स आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। एंड ऑल्सो, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सनब्लॉक इन योर स्किन केयर रूटीन। अगर आप स्किन के रूटीन में सनब्लॉक का यूज करते हैं तो उसकी क्या अहमियत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सनब्लॉक के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं, सीरम बेस्ड, लोशन बेस्ड, क्रीम बेस्ड, स्प्रे बेस्ड, तो ये सब आते हैं हमारे पास सनब्लॉक की टाइप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि ऑयली स्किन वाले लोगों को कौन सा सनब्लॉक यूज़ करना है। ऑयली स्किन वाले लोगों को हमेशा जेल बेस्ड सनब्लॉक जो है वो प्रेफर किया जाता है, कि वो अगर किसी भी शॉप पर जा रहे हैं सनब्लॉक खरीदने के लिए तो वो जेल बेस्ड सनब्लॉक जो है वो अपने लिए खरीदेंगे, क्योंकि अगर वो क्रीम बेस्ड या लोशन बेस्ड कोई सनब्लॉक अपने लिए यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि उनके स्किन के ऊपर जो ऑयल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होने लग जाएगी और उनकी स्किन जो है उस पर पोर्स बहुत ज़्यादा हद तक भरने लग जाएंगे। सो दैट्स वाई जेल बेस्ड इज बेस्ट फॉर द ऑयली स्किन। सो वॉट इज SPF? SPF को हम बेसिकली बोलते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये क्या होता है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर इज बेसिकली द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दैट इट कैन प्रोवाइड यू फ्रॉम द सन रेज, मतलब सूरज से जो हार्मफुल रेज हमारे फेस को डैमेज कर रही होती हैं, स्किन को डैमेज कर रही होती हैं, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन के लेवल को हम बोलते हैं SPF, और जो डिफरेंट नंबर से हम इंडिकेट करते हैं SPF 30, SPF 70, SPF 50, SPF 90 और 100 तक, ठीक है। तो अब बात कर रहे थे जो SPF 30 है, SPF 50 है, इनका क्या फंक्शन होता है। जो SPF 30 है ये हमें जो है क्या करता है, SPF 50 से कम प्रोटेक्शन दे रहा होता है, लेकिन जो SPF 50 है वो हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा होता है एज़ कम्पेयर टू SPF 30। SPF 30 हमें 96% तक जो है वो प्रोटेक्शन देता है, और जबकि SPF 50 जो है वो हमें 98% तक सनरेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो अगर हम जो है आप की रूटीन ऐसी है कि आपको रोजाना डेली बेसिस पे बाहर जाना पड़ता है, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है सन रेज से, तो आप SPF 50 ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप घर पर हैं, चार दीवारी में बैठे हुए हैं और आप जो है मतलब कि बाहर नहीं इतना जाते, तो आप SPF 30 भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप जस्ट घर में रह के अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सनब्लॉक? सनब्लॉक का काम क्या होता है? सनब्लॉक ने बेसिकली क्या करना होता है, जो सूरज से हार्मफुल शुआएं हमारे स्किन को डैमेज कर रही होती हैं, जिनमें UVB रेज आ जाती हैं, उनसे इसने हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करना होता है। सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऐड सनब्लॉक इन योर स्किन केयर रूटीन? अपनी स्किन केयर रूटीन में सनब्लॉक को ऐड करने की क्या अहमियत है? जब आप खुद यूज़ करने लगेंगे ना सनब्लॉक, आपको खुद विजिबल रिजल्ट्स नजर आएंगे अपने स्किन के ऊपर कि जी ये मुझे इससे रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक हो गया। और अर्ली एज में जो हमारी टीन एज होती है उसमें तो हमें इसका इतना मतलब नज़र नहीं आ रहा होता कि हाँ इसका कोई फ़ायदा, लेकिन आने वाली एज में मतलब जब आप 30+ या 40+ हो जाएंगे, जो स्किन के ऊपर रिंकलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जो स्किन के ऊपर अर्ली जो है वो डार्क स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, स्किन के ऊपर अर्ली पिगमेंटेशन होने लग जाती है, वो चीज़ें हमारे साथ बहुत डिले होंगी, मतलब बहुत टाइम बाद होंगी। अब बात कर लेते हैं कि घर के अंदर रह के भी हमें लगाना पड़ता है या सिर्फ बाहर जाने के लिए लगाना है? सो सन ब्लॉक जो है वो आपने ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जा रहे हैं तो आपने यूज़ करना है, आपने डेली अपनी स्किन केयर रूटीन में उसको ऐड ज़रूर करना है। मतलब मॉर्निंग में आप अपनी स्किन केयर करें, आपने फेस वॉश किया, मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद आपने लास्ट मंथ जो है वो सनब्लॉक अपने फेस पे ज़रूर लगाना है, घर के अंदर रह के भी लगाना है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बहुत से मॉइस्चराइजर्स ऐसे होते हैं जिसमें उन्होंने बोला होता है कि इसमें हमारे पास सनब्लॉक मतलब SPF हमने इसमें ऐड किया हुआ है, सो उस SPF का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसमें उन्होंने 15% मतलब SPF 15 या SPF 20 ऐड किया होता है, सो हमने उस पर रिलाई नहीं करना, क्योंकि SPF 15 कोई काम नहीं देता, SPF 20 कोई काम नहीं देता,
ठीक हो गया, घर पे भी रह रहे हैं तो हमने 30 यूज़ करना है कम से कम, और अगर बाहर जा रहे हैं तो 50। और अगर आपकी रूटीन ऐसी है कि आप बाहर जाते हैं और मतलब पसीना वगैरह आता है, और हम जब अपना पसीना साफ़ करते हैं तो वाइप्स के थ्रू हमारा क्या होता है कि सनब्लॉक रिमूव हो जाता है फेस से, तो हमने जब बाहर हैं तो हमने हर 2 to 3 hours के बाद अपना सनब्लॉक जो है वो रिपीट करना है। लेकिन अगर हम घर में हैं तो हम दिन में 2 मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं किस कंपनी का सनब्लॉक जो है वो हम लगा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी जो मैं खुद यूज़ करती रही हूँ, मैं विंसे का सनब्लॉक यूज़ करती रही हूँ, SPF 40। ये बहुत अच्छा है, ये आप घर के अंदर रहते हुए भी लगा सकते हैं, अगर आपने बाहर जाना है तब भी लगा सकते हैं। उसके अलावा रिवाज UK का आता है सनब्लॉक, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। यूवेल का आता है सनब्लॉक, देन उसके बाद आता है सन क्यू का। तो ये 4-5 सनब्लॉक हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और जो सन क्यू का सनब्लॉक है वो SPF 70 है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा बाहर आते जाते हैं, जिनको सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल साबित हुई होगी, आपको इससे पता चला होगा कि सनब्लॉक की हमारी स्किन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सो आप लाजमी ऐड करें सनब्लॉक को अपनी स्किन केयर में, डेली बेसिस पे यूज़ करें सनब्लॉक को, और जो है अपने स्किन डैमेज से बचें। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।